और एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ कि हम तुमको जरूर बजरूर आजमाएंगे, कभी खौफ से आजमाएंगे, दुश्मनों का खौफ तुम पर तारी हो जाएगा। वल अनफुसी व समरात, कभी माल और दौलत में कमी कर तुम्हें आजमाया जाएगा। वल अनफुसी व समरात, कभी जानों के जरिए तुम्हें आजमाया जाएगा, कभी किसी अजीज का आपके इंतकाल हो जाएगा, उसकी मौत से आपको आजमाया जाएगा, कभी आपके बेटे का इंतकाल हो जाएगा, उसके ज़रिए आपको आजमाया जाएगा, कभी आपके वालिदैन का इंतकाल हो जाएगा, उससे आपको आजमाया जाएगा। وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो एक हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनियावी जिंदगी की बताई कि ये दुनिया धोखे का सामान है, और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की हकीकत ये बताई कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है, आजमाया जाएगा आपको। وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا वही वो ज़ात है जिसने ज़मीन व आसमान को छः दिनों में पैदा किया, इस हाल में कि उसका अर्श पानी पर था। لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا और इस पैदाइश और ये ज़मीन व आसमान की तख्लीक का मकसद ये था, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि देखिए कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है, अच्छा अमल करने वाला कौन है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत बताई कि ये दुनियावी ज़िंदगी, इस कायनात की तख्लीक का मकसद यही है कि वो इंसानों को आजमाए।